रति अग्निहोत्री ने अपने कैरियर के पीक पर अनिल विरमानी संग शादी की थी, लेकिन इस एक्ट्रेस की शादी काफ़ी दर्दनाक रही। उनके पति ने उन पर खूब जुल्म किए थे। तो दोस्तों, रति अग्निहोत्री बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही है। उन्होंने जब इंडस्ट्रीज में कदम रखा तो हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। रति को लोग स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी कहा करते थे। बेपनाह हुस्न की मलिका रति की एक्टिंग के भी लोग दीवाने थे। रति ने फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कमल हसन संग उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। इसी के साथ रति भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। हालांकि बॉलीवुड में सक्सेसफुल कैरियर वाली इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफ़ी कांटों भरी रही। उनकी शादी उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ की वजह बन गई थी। तो चलिए जानते हैं उसकी असल जिंदगी की रूह कपा देने वाली कहानी। तो दोस्तों, 10 सितंबर 1960 को एक रूढ़िवादी पंजाब परिवार में जन्मी रति अग्निहोत्री ने 10 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग कैरियर शुरू किया था। जब रति 16 साल की हुई तो तमिल फिल्म निर्देशक भारती राजा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें पूतिया वारपुगल ऑफर कर दी। रति के पिता से इजाज़त मिलने के बाद निर्देशक भारती राजा ने रति के साथ उनकी पहली तमिल फिल्म की शूटिंग की और पंजाबी होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए काफ़ी तारीफ मिली। कुछ शानदार तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्में करने के बाद रति ने 1981 में एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बना ली। अपने कैरियर के 4 दशकों से ज़्यादा समय में रति ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। 80 के दशक के मिड तक रति अग्निहोत्री हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। हालांकि जब रति अपने कैरियर के पीक पर थी तब एक इवेंट में उनकी मुलाकात मुंबई के बेस्ट बिजनेसमैन और वास्तुकार अनिल विरवानी से हुई और तब से चीज़ें बदल गई। हालांकि उनके माता पिता अनिल विरवानी के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन रति ने आगे बढ़कर कुछ समय के लिए उन्हें डेट किया। रति और अनिल ने 9 फरवरी 1985 को शादी कर ली और तब से कुछ साल बाद रति ने अपने परिवार के लिए अपने कैरियर से ब्रेक ले लिया था। 25 साल की रति अग्निहोत्री को तब जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी की है वो उनके लिए जल्लाद बन जाएगा। रति के माता पिता के लिए अनिल उनकी बेटी के लिए एक आदर्श साथी नहीं थे और जल्द ही वे सही साबित हुए। उनकी शादी के पहले साल में ही रति को अपने पति की असलियत पता चल गई थी। अनिल ने एक्ट्रेस को खूब पीटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा चीज़ें और ख़राब होती गई। एक इंटरव्यू में रति ने खुलासा किया था कि अनिल उन्हें पीटते थे और वे खुद को उनसे बचाने के लिए घर के चारों ओर भागती रही। 86 में रति अग्निहोत्री और अनिल विरवानी ने बेटे को वेलकम किया, लेकिन बच्चे के आने के बाद भी रति और अनिल के बीच का रिश्ता नहीं सुधरा और 30 सालों तक रति को घरेलू दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा था। रति अग्निहोत्री काफ़ी दर्दनाक जिंदगी जी रही थी, लेकिन वह हमेशा दुनिया के सामने मुस्कुराती रहती थी और कहती थी कि उनके पति अनिल विरवानी और बेटे तनुज विरवानी के साथ उनका एक खुशहाल परिवार है। लेकिन आखिरकार 2015 में उसने अपनी बर्बाद हुई शादी के टूटे हुए टुकड़ों को अब और नहीं संभालने का फैसला किया और अपने घर से बाहर चली गई। रिपोर्ट के अनुसार ये 7 मार्च 2015 की बात है, जब एक्ट्रेस के बेटे तनुज एक फिल्म की शूटिंग के लिए पुणे में थे और अनिल के गुस्से के कारण उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा था। रति ने कहा था, मैंने मन में सोचा कि मैं 54 साल की महिला हूं और धीरे धीरे बूढ़ी और कमज़ोर होती जाऊंगी और फिर एक दिन पीट पीट कर मर जाऊंगी। तब रति अग्निहोत्री को एहसास हुआ कि अब उनकी शादी से बाहर निकलने का समय आ गया है। उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 14 मार्च 2015 को रति ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा शोषण का मामला दर्ज कराया था। तो दोस्तों, ये थी रति अग्निहोत्री की दर्दनाक कहानी।